आर अनदर व्लॉग। तो आज का सीन ये कि मैं दिखाऊं अपना गोप्रो का सेटअप जो मेरा आ गया, गोप्रो भी आ गया था, वो दिखाता हूँ आपको मैं एक बार चल के क्या क्या आया है, क्या क्या मैंने मंगाया था, वो तो चल के दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट जो मैंने मंगवाया था, आपको बता दूंगा मैंने ये मंगवाया है रोहिणी से M2 के। और ये रोड का माइक है और ये मीडिया मोड, इनकी पहले ही मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है। और ये अपना गोप्रो जो मैंने USA से मंगाया था, एक भाई जा रखा था ताऊ का लड़का, तो वो लेके आया था। अभी चलो आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। ये रहा भाई हेलमेट, इसका मैंने वाइजर चेंज करवा दिया था, इसमें प्लेन वाइजर था, मैंने ब्लैक वाइजर लगवा दिया। और ये रहा इसका जो गोप्रो का माउंट होता है, ये मैंने पहले चिपका रखा है, यहाँ पे गोप्रो लगेगा तो वो लगा के दिखाऊंगा आपको बाद में, पहले गोप्रो की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये रहा गोप्रो जो मैंने USA से मंगाया था, मेरे ताऊ कलर का दा रखा था एक, दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा भाई गोप्रो 11 है, ये इसकी मेन्यू है। और ये रहा हमारा गोप्रो, ये इसका चार्जर है, ये इसके माउंट है, और ये माउंट इसके साथ जो आता है जो हेलमेट में लगेगा। ये रहा अपना गोप्रो, और कितना छोटा है यार ये, ज़्यादा ही छोटा लग रखा है, देखना एक बार हाथ में रख के कितना दिख रहा है, बिल्कुल ही छोटा भाई ये। बस स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रहा भाई 4K पे मैंने सेट कर रखा है और 2X पे मैंने सेट कर दिया, और ये सुपर व्यू पे सेट कर रखा है क्योंकि ये हाइपर व्यू पे, मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको, देखो ज़्यादा वाइड हो जाता है, ये तो इतना वाइड ठीक नहीं है, सुपर व्यू पे मैं कर देता हूँ एक बार इसको सेट। ये हो गया सुपर व्यू पे सेट। और ये भाई ऑटो बूस्ट, ये मतलब स्टेबिलिटी ऑन है ये, क्योंकि ये देखो ज़्यादा हलेगा तो मैंने कर दिया ऑटो बूस्ट। अब देखना कितना कम मिल रहा है, मतलब मैं कैमरे को हिला रहा हूँ पर एंगल देखो बहुत कम मिल रहा है। ये मैंने ऑन पे रख रखा है क्योंकि इसका ऑन इतना पावरफुल है कि ये ज़्यादा वो नहीं करने, बस एंगल हिलने नहीं देता। और अभी तो ये 27% ही चार्ज है, 3 घंटे 48 मिनट ये शायद मेमोरी का वो हो गया क्योंकि SD कार्ड टाइप में आ रहा है। SD कार्ड भाई मैं इसमें स्कैन डिस्क का डाल रखा है, वो भी 256 GB का। चलो आपको इसका मीडिया मोड दिखाता हूँ एक बार, अभी इसको बंद कर देता हूँ, इसको भाई ओपन कर लेता हूँ। मीडिया मोड यहाँ से लगेगा, पहले ये खुलेगा, ये खुल गया। और ये भाई बिल्कुल प्यार से निकालना, ये निकल गया, ये लग रखा था जब तक ये वाटर प्रूफ था 100%, लेकिन अब ये हट गया, ये वाटर प्रूफ नहीं है। अब इसको पानी में डाल दूँगा तो ये ख़राब हो सकता है। अभी पहले मीडियम मोड की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, ये मैंने पहले चेक कर रखा है कि कैसे क्या आया है, तो इसलिए ओपन है। ये रहा हमारा मीडियम मोड जो ये GoPro इसके अंदर आएगा, और इसके माउंट हैं, मैंने एक माउंट एक्स्ट्रा मंगा रखे हैं, ये रहे वो एक्स्ट्रा माउंट जो मैंने मंगाए थे, इनके जो बॉक्स था वो मैंने फेंक दिया। और अभी लगा के दिखाता हूँ मैं एक बार इसको मीडिया मोड को। ये भाई निकाल लेता हूँ इसका मीडिया मोड, ये रहा मीडिया मोड, इनको साइड में रख देता हूँ क्योंकि माउंट मेरे पास पहले से ही है और GoPro के साथ भी आए थे माउंट। और ये ओपन यहाँ से होगा, ये होगा ओपन। अभी GoPro, ये माइक इस साइड है तो ये ऐसे आएगा। हाँ अभी इसको डाल लेता हूँ एक मिनट, वो नीचे से इक्वल डालना भाई, मतलब एंगल में ये डल गया हमारा GoPro, और ये कर दिया बंद। अभी रुक जाओ एक मिनट, ये हो गया बंद। और ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये माइक है, माइक का फोम भी आ रखा है इसके साथ ही है, मतलब मीडिया मोड के साथ ही। अगर मोटो व्लॉगिंग ना करनी हो तो सिंपल, वैसे व्लॉगिंग करनी हो, कोई वीडियो शूट करनी हो तो इसको लगा देते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये रहा, इसको ऐसे लगा के व्लॉग शूट कर लो।
और ये स्क्रीन है कि जैसे हम इस साइड फेस करके वो करते हैं शूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो दिख रहा है कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये हो रहा है मेरा कैमरा ऑन, GoPro 11 ब्लैक। ये हमारा जो शूट जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है दिख रहा है जो कैमरे को, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी क्या रह गया, इसका माइक इंस्टॉल करते एक बार। ये रहा भाई मेरा रोड का माइक, और भाई ये सबसे बढ़िया माइक है, हैवी क्वालिटी का, जो आजकल के यूट्यूबर यूज़ करते हैं वो मैंने माइक मंगा रखा है। ये तो चीप वैसे माइक अटैच करने के लिए, और इसमें माइक भी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ ऐसे पैकिंग करके दे रखी है, रोड का माइक माइक्रो फोन से लिख रखा है। अभी इसको ओपन करता हूँ, और ये रहा माइक। अब इसको हेलमेट में इंस्टॉल करता हूँ मैं। चलो अभी करते एक बार, हेलमेट की पहले पैडिंग निकालनी पड़ेगी, जो कि मेरे को इस साइड से, वैसे सारी पैडिंग उतर जाएगी हेलमेट की, ऐसे आते भाई जो मैंने ले रखा है एक तो वैसे आते हैं, कई होगी नहीं उतरती पैडिंग। देखो यहाँ से ये ऐसे पकड़ के, और ये निकल के लॉक लग रखे हैं, लॉक में अंदर यहाँ ये पैडिंग निकल गई। और इसको माइक को मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको। ये लगा दिया भाई मैंने, इसमें माइक इंस्टॉल कर दिया है। ये रहा मेरा माइक इस साइड, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इसमें जो GoPro में लगेगा इस साइड निकाल रखा है, जो कि यहाँ पर आके लगेगा। तो अभी GoPro लगा लेता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर लगेगा माउंट में। अभी GoPro को पहले सेटअप कर लेता हूँ मैं इसमें, फिर दिखाता हूँ एक बार आपको। भाई वो माइक जो मैंने अपने GoPro के लिए मंगाया था, ये रोड का माइक है 7000 रुपये का स्टार्टिंग। तो भाई मतलब जो लोकल माइक होते हैं 500-600 से, भाई जो दुकान वाला मेरे को बता रहा था कि 600 से भाई माइक आ जाते हैं जो GoPro के लिए सही हैं, पर भाई वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं लोकल वगैरह के, और क्या कहते हैं अलग कंपनी के। पर रोड का माइक जो सबसे बढ़िया रहता है GoPro के लिए, परमानेंट जुगाड़ है भाई GoPro का माइक के लगवाना हो तो ये रोड का माइक। और भाई ये मीडिया मोड, ये भाई 6-6.5 हज़ार का आया था, और ये मेमोरी कार्ड, और एक एक्स्ट्रा मैंने माउंट मंगवाया था, ये सारा टोटल जो माइक वगैरह खर्चा ये 16 हज़ार का हो गया था। और जो GoPro मंगवाया था मैंने USA से, ये 34 हज़ार रुपये का आया था। वैसे हमारे यहाँ पे 40,000-45,000 तक के मिलते हैं, लेकिन GoPro 11 मेरे को 34,000। और मैं आपको एंगल दिखा देता हूँ कैसी क्या व्लॉग शूट होती है इससे GoPro से एक बार। चलो मैं दिखाता हूँ आपको चल के, मुंडेला से क्रॉसिंग होके एक लुक्सरगा हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं। एक बार आप एंगल चेक कर लेना कैसा क्या व्यू आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी दिख नहीं रहा। जैसे मैं GoPro हटाऊँगा, हेलमेट निकालूँगा, मतलब फ़ोन में चेक करूँगा, तो मुझे जब पता चलेगा तो वीडियो ख़त्म हो गई होगी। तो एक बार चल के देखते हैं। अभी ये कच्चा रास्ता नहीं है, ये तोड़ रखा है सीवर की वजह से, मतलब सीवर लाइन दाग रहे हैं यहाँ पे खेतों के अंदर। ये रास्ता जाता है, पक्का रास्ता है ये, लेकिन काम की वजह से ये तोड़ रखा है, सारे मिट्टी गड्ढे वगैरह हो रखे हैं। अभी वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको, नहर वगैरह जो है, अंधेरा होने लग गया अभी तो, 5:30 ही हुए हैं और इतना अंधेरा। पर कोई नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको। अभी तो हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं क्लिक स्कूटी से, भाई इतनी छोटी स्कूटी है और इतनी पावर है स्कूटी में, मतलब वेस्पा टाइप लगा लो स्कूटी को, पर ये हाइट में छोटी है, टायर भी इसके छोटे वगैरह हैं, पर इंजन इसका बहुत पावरफुल है। अभी चलते हैं, बहुत ही दूर रास्ता निकलेगा ये, अभी जब टूट रखा है सामने से भाई आ रही है, मतलब आप टाइम लेफ्ट इंजॉय करो इतने। अभी चलते हैं,
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ये जो लुक्सर की नहर है उस साइड, इस नहर से दूसरी साइड लुक्सर है।